सब प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। पिछले वीडियो में आपने सुना कि भगवान की चौथी भक्ति क्या है, कपट त्याग कर भगवान के नामों का गुणानुवाद करना ही चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति के विषय में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। प्रभु श्री राम बताते हैं माँ सबरी को, हे माँ, जो व्यक्ति मेरे नाम को विश्वास के साथ जपता है उसे मेरी पांचवी भक्ति प्राप्त होती है। विश्वास के साथ, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, हम लोग भगवान का नाम तो जपते हैं, भजन तो करते हैं, कीर्तन तो करते हैं, लेकिन मन में संदेह बना रहता है। ऐसा मन में संदेह बना रहता है कि ये कार्य होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन जब पूर्ण रूपेण भगवान के नाम में इतना भरोसा हो जाए कि भगवान में और भगवान के नाम में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, नाम रूप लीला धाम ये चार बराबर हैं, भगवान का धाम भी भगवान के बराबर है, भगवान की लीला भी भगवान के बराबर है, भगवान का नाम भी भगवान के बराबर है, और भगवान तो है ही भगवान। तो भगवान के लीलाओं का जाप करते समय, मंत्र का जाप करते समय पूर्ण भरोसा होना चाहिए। अब भरोसा किसको था? भरोसा था ध्रुव को। 5.5 वर्ष के बच्चे को अपने गुरु के वचनों पर ऐसा भरोसा हुआ, मंत्र पे ऐसा भरोसा हुआ, ऐसा भरोसा हुआ कि 5.5 साल का बच्चा जंगल में, वन में जाके, फॉरेस्ट में जाके उसी मंत्र के सहारे, कोई शस्त्र नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई धनुष नहीं, कोई बाण नहीं, कोई भाला नहीं, कोई तीर नहीं, कुछ नहीं। आप जब कहीं भी जाते हो तो 100 व्यवस्था करके जाते हो, थोड़ी दूर भी जाना हो तो आप 1000 व्यवस्था, कहीं दूर ट्रेन में भी जाना हो, फ्लाइट में भी जाना हो, विदेश जाना हो, ये खाने के लिए ले जा, ये पहनने के लिए ले जा, ये खर्च करने के लिए ले जा, ये सब कुछ कितना, क्यों? क्योंकि हमें भरोसा नहीं है कि वहां हमारी व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन देखिए ध्रुव को, राजमहल में रहने वाला 5.5 साल का ध्रुव जब घर से निकला तो घर से कुछ नहीं लिया, कुछ भी नहीं, न खाने के लिए लिया, न पहनने के लिए लिया, न किसी जंगली जानवर से कुछ लड़ने के लिए उसने कुछ लिया। अगर लिया तो सिर्फ भगवान के नाम का भरोसा हृदय में लिया कि मैं जिसके सहारे जा रहा हूँ वही मेरी रक्षा करेगा, वही मेरी व्यवस्था करेगा, वही मुझे देखेगा। ये किसका भरोसा था? ये नाम का भरोसा था, ये ध्रुव का भरोसा था। ध्रुव को इतना भरोसा था कि जिस भगवान के लिए, जिस ईश्वर के लिए मैं जा रहा हूँ, जिसके नाम के लिए मैं जा रहा हूँ, जिसका नाम मेरी माँ ने कहा है, जिसका नाम मंत्र मेरे गुरु ने दिया है, वो गुरु वो के द्वारा प्राप्त मंत्र मेरे लिए सर्वस्व है। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अब बताइए ध्रुव को क्या मिला? नहीं मिला ध्रुव को, ध्रुव को परम पद मिला जो किसी को नहीं मिला। किसके भरोसे? बोले मंत्र के भरोसे। मंत्र जपा तो ध्रुव की यह स्थिति हुई, ध्रुव से गलाने जपे हरि नाम, चाहे गलानी से ही सही, माँ ने अपमान किया इस वजह से ही सही, लेकिन मंत्र में ऐसा भरोसा कि गुरु जी ने मंत्र दिया, उसके बाद ध्रुव ने पलट के नहीं देखा और ध्रुव को परम पद की प्राप्ति हो गई। यही है मेरे प्यारे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जैसे भगवान के भक्त ध्रुव ने अपने गुरु के दिए हुए मंत्र में भरोसा किया, वैसे ही जो व्यक्ति अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र को पूर्ण विश्वास के साथ जपते हैं उन्हें मेरी पांचवी भक्ति प्राप्त होती है। आप सबसे भी यही प्रार्थना। हम यही छोटी छोटी गलतियां करते हैं और इन छोटी छोटी गलतियों से हम भगवान के करीब जाकर भी दूर हो जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें बताए हुए, ये भगवान बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं। रामायण में सबरी माँ को भगवान श्री राम बता रहे हैं, तो जब भगवान श्री राम बता रहे हैं तो उनके वचनों पर तो भरोसा कीजिए और वैसा कीजिए। जब मंत्र जपें तो आपको पता होना चाहिए ये इससे बड़ा वज्र कोई नहीं है, इससे बड़ी शक्ति कोई नहीं, इससे बड़ा पावर कोई नहीं है, यही सब कुछ करेगा। अरे कलयुग में तो तमाम देवी देव, तमाम कलयुगी लोग भी आकर अपना नाम पुजवा लेते, पूजा करवाते, बिकॉज ऑफ उसका नाम लेकर, पीछे लगवा कर। इसलिए भगवान के मंत्र को जपिए विश्वास के साथ, तो क्या होगा? आपको पांचवी भक्ति प्राप्त हो जाएगी।
तो ये है भगवान की पांचवी भक्ति, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचमी भगति सो वेद प्रकाश, पंचम भगत ये वेदों का वाक्य है, भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, यही भगवान की पांचवी भक्ति है। अगले वीडियो में हम छठी भक्ति के संदर्भ में चर्चा करेंगे, तब तक इस भक्ति का ध्यान कीजिए, गुणानुवाद कीजिए, और जो सीरियल वाइज नवदा भक्ति हम आपको बता रहे हैं कुछ एग्जाम्पल दे देकर, कोशिश कीजिए यही भक्ति आप अपने बच्चों में भी शेयर करें, जिससे हमारे बच्चे हमारे राम को जानें, राम की भक्ति को जानें। राधे राधे।